तुम्हें पता है वो कौन है? लुइस और मिगेल एशबारिया। उनका सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप है यहां से ह्यूस्टन तक, प्रिंस टाउन तक, पूरा का पूरा। क्या सोचते हो उसके बारे में? देखो, वो मोटा है नाचो कॉन्ट्रेरास एल कार्डो। उसके पास यहां के किसी भी इंसान से ज्यादा पैसा है, तो सचमुच है दाए। हाजा क्या होता है पता है? नहीं फ्रैंक, तुम मुझे बताओ हाजा क्या होता है? ये यिदिश शब्द है सुअर के लिए। वो आदमी जो अपनी जरूरत से ज्यादा चाहे, जो कभी सीधा न चले, तो इसका एक ही निष्कर्ष निकलता है बच्चे, और तुम ये कभी नहीं भूलोगे। सबक नंबर पहला, कभी भी विरोधी के लालच को अपने से कम मत आंकना। सबक नंबर दो, अपनी ही शराब के नशे में मत झूमो। सही कहा, सबक नंबर दो, अपनी ही शराब के नशे में मत आओ, और बेशक इस नियम पर कोई नहीं चल। आपकी शैंपेन मिस्टर लोबे 1964 की सबसे बढ़िया है मिस्टर लोबे। ठीक है, तुम इसे डालो और तुरंत एक और बोतल ले आओ जैक। आपसे मिलकर अच्छा लगा। $550 की इस बोतल के लिए टोनी, क्या ख्याल है तुम्हारा इसके बारे में? ये हुई ना कुछ नामुराद अंगूरों के लिए। तो जाम उठाओ पुराने दोस्तों और नए दोस्तों के लिए। तुम्हें ये कैसा लगा टोनी? ओ ये अच्छा है फ्रैंक। ये अच्छा है? बहुत अच्छा है। अच्छा है। मैं तुम्हें नए कपड़े भी दिलवाऊंगा। मैं तुम्हें $550 का सूट दिलवाऊंगा ताकि तुम सचमुच होशियार लो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ काम करो। मैं चाहता हूं तुम ऑस्टर और ओमार के साथ काम करो। हम कुछ करने वाले, हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। अगले महीने हम कोलंबिया से काफी माल मंगवाने। तुम इसमें अच्छे हो, और भी काम होंगे, अच्छा रहेगा। लगता है बहुत मजा आएगा। तुम और चाहिए? लो लो। तुम डांस करना चाहोगे फ्रैंक, या यहाँ बैठकर हाथ अटक लाना? कौन, मैं और डांस? मेरे ख्याल से हार्ट अटैक बेहतर होगा। पर शैंपेन का मजाक मत उड़ाओ। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या आप कार्टियर में डांस? हाँ जाओ भी टोनी, डांस करो। ओके, थोड़ा मजा करें। क्या ख्याल है इसके बारे में? मेरे ख्याल से वो ससुरा किसान है। हाँ, ऐसा आदमी अगर तुम्हारे साथ हो तो वो तुम्हारे लिए जान लड़ा सकता। तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम्हारा नाम क्या है? एल्वीरा क्या? हैनकॉक। हाँ हैनकॉक। हैनकॉक, चिड़िया की तरह लगती हो। हैनकॉक, उड़ना इधर उधर। तुम कहाँ से हो? बाल्टीमोर। क्या? बाल्टीमोर। बाल्टीमोर वो कहाँ है? देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? देखो मैं बस दोस्ती करना चाहता हूँ। वैसे ही मेरे पास बहुत दोस्त हैं, मुझे एक और नहीं चाहिए, खासकर वो जो रेफ्यूजी बोट से आया हो। रेफ्यूजी बोट? देखो तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, मैं रेफ्यूजी बोट से नहीं आया। खैर तुम किसी और के बारे में सोच रही होगी।
क्या तुम क्यूबा क्राइम वेव का हिस्सा नहीं हो? ये क्या पागलों जैसी बात कर रही हो? मैं एक पॉलिटिकल रेफ्यूजी हूँ, ठीक है? तो संभल कर बात करो, पागल मत बनो। मुझे पता नहीं था तुम अपनी राजनीतिक हैसियत के बारे में इतने भावुक हो। हे बेबी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बेबी? आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुम खूबसूरत हो, तुम्हारा खूबसूरत शरीर है, खूबसूरत टांगे, खूबसूरत चेहरा, ये सभी लोग तुम्हें ही देख रहे हैं। सिर्फ तुम्हारी आंखों में कुछ है जो कह रहा है कि एक साल से तुम्हारे तन की भूख नहीं मिटी। हे सुनो, कौन कैसे इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, ओके? अब तुम मुझसे बात कर रही हो ना बेबी, बोलो क्या बोलना है, बोलो। मुझे बेबी मत कहो, मैं तुम्हारी बेबी नहीं हूँ, समझे? अभी तक तो नहीं हो, पर कुछ दिनों में हो जाओगी। अगर मैं अंधी भी हूँ, हताश, भूखी और एक उजाड़ बीच पर रहम की भीख मांगती हुई, तो भी मैं तुमसे तन की भूख नहीं मिटाऊंगी।